बंपर, तुम फिर आ गई? आप लोग जा सकते हैं, ये हमें तंग करते रहेंगे. तुम फिर क्यों आ गई? Can you just talk to the hand, please? Oh, bumper! मैं कोई दशहरा नहीं हूँ जो साल में एक ही बार आऊंगी. आ गई के बॉस की बात कर रहे हैं. आज ना कपू शर्मा देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी से बातचीत करेगी, और जब दो बहनें बातें करेगी ना तो आप बीच में विघ्न न डालें प्लीज. वो है देश की बेटी, तू तो खुद अपने आप में महाद्वीप है. तो क्या मतलब, कहाँ वो प्रियंका चोपड़ा, कहाँ तुम मदन चोपड़ा, बहने कैसे हुई तुम? तो ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा में मदन चोपड़ा, तो आप बीच में प्रेम चोपड़ा क्यों बन रहे हैं? यही ना, इनकी आपकी ये नॉन सीरियस बातों की वजह से ना हमारी शो की टीआर भी 4 तक पहुंच गई है. ये तो अच्छी बात होगी ना. तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात हुई ना, सोनी साहब के बारे में सोची, उन्हें रोज पार्टियां फेंकनी पड़ती है. फिर रोज पार्टियां होती हैं तो अर्चना जी को रोज जाके फिर पीना पड़ता है वहां पे. फिर रोज पी लेती है तो घर जाके अपने पति को घर से निकाल देती है. 4 की टीआरपी आ गई, तुम जाओ अब. वैसे जैसे आप हॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपने दम पर रहती हैं ना, वैसे ही मैं हूँ बंपर, रहती हूँ अपने दम पर. वैसे प्रियंका जी, मुझे एक बात बताइए, जोनस ब्रदर्स जो है ना, तो मैंने सुना है कि ब्रदर्स में मतलब एक कजन वजन कोई एक ब्रदर है जो कुंवारा है, राइट? एक भाई है, एक उसका नाम है फ्रैंकी, लेकिन कुंवारा है और 18 साल का है. दैट्स ऑलराइट. कुंवारा है तो तुम्हारा क्या लेना देना उस बात से? मतलब अगर उसे कोई सुशील लड़की की अगर तलाश हो बाय चांस, तो मैं बंपर जोनस बनने के लिए तैयार हूं. तुम पर जोनस सूट करता है? अच्छा, मुझ पे जोनस सूट नहीं करता तो क्या सूट करता है? शर्मा. नो 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 नो, कपू शर्मा, उस नजर से आप मुझे देखिए भी मत. ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, मुझ पे नजर मत डालिए. आप अपनी सारी दौलत भी मेरे कदम पे रख देंगे ना तो फिर मैं शायद हाँ बोल दूँ. लॉजिकल, यू नो, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जीवन में. प्रैक्टिकलिटी जरूरी है, जरूरी है, बहुत ज्यादा. You get that? I get it. Yeah, होता है. प्रियंका जी, लेकिन आप मम्मी आपका रिश्ता ले जा सकती हैं मेरी सास तक, अगर आप चाहें. अगर आप मेरी एक सिफारिश अगर कर दें प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा. थैंक यू मैम. पहले आईब्रो देख लो इसके. बीच में कोई गैप है नहीं, जुओं के लिए ब्रिज बना के रखा हुआ है. यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल जाती है. निक जोनस के भाई के साथ शादी करेगी तो है? कपिल, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा क्लिनिक है जिसको हम स्टूडियो एस्थेटिक कहते हैं, वहाँ आके इनको एकदम फिट कर दूंगी. बस खत्म हो गया. ये है प्रियंका चोपड़ा की मम्मी. वाओ, फिल्म के साथ साथ स्टूडियो की भी प्रमोशन. पिक्चर प्लस स्टूडियो फ्री. मेरी तो सेटिंग हो गई है एक्चुअली ना, मुझे अब वापस मेरे अपने काम पे जाना होगा. लेकिन क्या है, क्या मतलब, जो सीजन हमारा ये शुरू हुआ है उसमें आज मेरा पहला दिन है. जी हाँ, मेरा पहला दिन है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. लेकिन मैं बस चाहती थी कि आज मेरे पहले दिन पे आप मुझे जरा इनॉग्रेट कर दें प्लीज. एक तुमको इनॉग्रेट. जी जी, एक फीता काटेंगी आप ना तो मेरा इनॉग्रेशन हो जाएगा. ओह गुड गॉड, इफ यू डोंट माइंड. यस, बंपर का ये फीता काट के आज आपने इस एपिसोड की बंपर ओपनिंग की है. कपू शर्मा, आप सवाल वाल पूछे भी कॉन्फिडेंट हैं, डरिएगा मत. ओके, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं. हाँ, मैं जा रही हूँ. अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं चलती हूँ. ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय बाय.
सो प्रियंका के साथ ढेर सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म द स्काई इज पिंक से एक और खास मेहमान को. सो प्लीज वेलकम राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर एंड वेरी वर्सेटाइल एक्टर वन एंड ओनली मिस्टर फरहान अख्तर. जोरदार तालियां एक बार फरहान सर के लिए. फरहान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कमाल के फिट और हैंडसम लग रहे हैं. थैंक यू. तुम भी. आर यू सीरियस? नहीं, माय मॉम हैज सेड ऑलवेज रिटर्न अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छा जी, आपको तो पता है फिल्म गली बॉय जो है वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है और फरहान भाई उसके प्रोड्यूसर हैं. बहुत बहुत मुबारक. तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि गली बॉय जो है ऑस्कर लेके आए. बहुत बहुत मुबारक. शुक्रिया. थैंक यू सर. प्लीज विराजमान हो जाइए. फरहान सर जी, आप और प्रियंका दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं. द स्काई इज पिंक. नॉर्मली सर आसमान नीला होता है, आपका वाला पिंक क्यों? नहीं, वो बात ऐसी है कि इस फिल्म में जो एक फैमिली ड्रामा है जी, उसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें अदिति जो प्रियंका जी का किरदार है उस फिल्म में, वो अपने बेटे से बात कर रही है जो बहुत दूर है. वो लंदन में है, अदिति लंदन में है और बेटा उसका इंडिया में है जी. और उनकी बात चल रही है और वो बेटा उससे कहता है कि आज मुझे अपने स्कूल टीचर ने डांटा क्योंकि आर्ट क्लास में मैंने अपने स्काई का कलर पिंक बना दिया. अच्छा. तो उसे कहती है कि मतलब तुम्हारे स्काई का कलर वो हो सकता है जो तुम चाहो, किसी और को मत बताने दो कि तुम्हारे स्काई का कलर क्या होना चाहिए. Nice. तो इसीलिए टाइटल भी है द स्काई इज पिंक. मतलब फरहान सर आपको शुरू से नीले रंग से थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी. हाँ, थी क्योंकि आपका गाना था ना आसमान है नीला क्यों पानी गीला गीला. हाँ, तब से मैं स्काई पिंक की स्क्रिप्ट का इंतजार तब से मैं वेट कर. पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रियंका, आपके तो हम सब फैन हैं. फरहान सर आप जो फिल्म करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बड़े ही मजेदार होती हैं सारी फिल्में. और जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है. फरहान भाई एक मैंने देखा आपकी ना काफी सारी फिल्में हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड है और जो उनमें एक्टर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन आपके दोस्त हैं जी. तो उनको आप पेमेंट दे देंगे दोस्ती का वास्ता देके कि भाई दोस्ती है तो ऐसा? नहीं, सबके सामने तो कहता हूं कि वो फ्री में करते हैं. अरे पेमेंट से याद आया प्रियंका, आप तो पेमेंट से याद आया प्रियंका. अरे मैं क्यों, मैंने कभी नहीं पे किया है इधर आने के लिए. मेरी पूरी बात तो सुन लो, देवी है देवी, मुझे पता है आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी आई हैं. मैं मेरा ये सवाल था कि आप हॉलीवुड में भी काम करती हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो आप टैक्स दोनों जगह भरती हैं कि उनको बोलती हैं इधर भर दिया, इनको बोलती हैं उधर भर दिया? खाली ये काश ऐसा होता यार, लेकिन काफी देर तक दोनों जगह भरना पड़ता. तुझे हमारे अकाउंट बुक से मतलब बहुत बहुत इंटरेस्ट है हमारे अकाउंटिंग में यार. क्यों सर? थोड़ा ऐसे ही बस. तू ये भी जा रहा है? अच्छा, ये भी सोच रहा है कौन सा टैक्स हेवन. मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था इनके आने से पहले. आई गॉट सो मेनी. रिश्ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिश्ते को क्या बोलते हैं? रिश्ता जो प्रपोजल्स. या आई गॉट सो मेनी प्रपोजल्स फ्रॉम हॉलीवुड आल्सो जी. उनको पता नहीं होगा ना तू शादीशुदा है. अरे नहीं, एटीट्यूड ही बड़ा मेरे में. अच्छा, प्रियंका की शादी से पहले फरहान आप प्रियंका के साथ शूट कर रहे थे, अब शादी के बाद प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कुछ फर्क नजर आया प्रियंका में आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब वो एक्चुअली सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद इस फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं. डॉन के टाइम से जब मैं उसे जानता हूँ 2006 से, तब से लेकर आज तक मुझे उनमें कोई ऐसा मेजर चेंज नजर नहीं आया है कि उनका स्टार्डम की वजह से जो उन्हें बहुत है सक्सेस. शी स्टेड जस्ट एग्जैक्टली ट्रू टू हरसेल्फ ऑलवेज. आची मैम तो मुझे जानती हैं कितने सालों से. आई प्लेड योर मदर इन वन फिल्म. दो फिल्में की हमने. हाँ, प्रियंका की मम्मी का रोल किया आपने? हाँ, लव 2050 है ना. और फिर क्रिश 2 में भी मैंने बॉस का रोल किया. एक फिल्म में आप दादा मुनि के साथ भी थी ना वो. एक्चुअली मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है. आई मीन ऑपोजिट नहीं थे ऑब्वियसली एक दूसरे के, लेकिन दादा मुनि के साथ काम किया है. बिल तो मैंने मजाक में क्रेडिट दे यार, मैं इतने सालों से यहां पर हूं. आई लव यू मैम. बड़ा मुश्किल होता है इतने साल तक इंडस्ट्री में सरवाइव करना और उसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को खा जाना. yes! आपको पता है प्रियंका ने ना किसी इंटरव्यू में कहा कि निक जो है अब क्या करें अभी. हाँ. मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा निक से ऑब्सेस्ड हो. हमारे हर दूसरा सवाल उसके बाद उसको होना चाहिए था. हम दोनों के बीच में बैठे हुए प्रमोशन भारत करते का दमाद है हमारे देश का. देश का दमाद.
देश का दामाद, करेक्ट करेक्ट। पहले जब हमने खबरें सुनी ना तो मैं सोचा ईश्वर अफवाह हो, लेकिन जब पक्का आ गया फिर तो मान ही गया, चलो अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सुना था हमने कि प्रियंका कहती है कि निक को पंजाबी गाने बड़े पसंद है और बॉलीवुड के गाने भी सुनते हैं कभी कभी, वो क्योंकि रॉक स्टार है वो स्टेज पे जाने से पहले भी सुनते हैं, तो सीरियसली वो कौन कौन से पंजाबी गाने सुनते हैं? अभी उन्होंने एक अपनी स्टोरीज में वीडियो डाला था, जब मैं भी सो रही थी सुबह उठ के मैंने देखा कलंक का वो गाना ना फर्स्ट क्लास, तो उसके ऊपर वो डांस करते हुए स्टेज पे जा रहे थे। Wow, that's so cool, man. मुझे इतनी हंसी आई है वो come in the morning. I said, इसको तो ये पूरा फिसल गया। Wow. I'm sure कि प्रियंका पंजाबी फैमिली से हैं तो सुनती होंगी गाने, कभी ऐसा हो निक इंग्लिश गाना बोलते बोलते बीच में उसके मुंह से निकल गया हो चक दे वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हो जाएगा, मुझसे भी नहीं होता एक्चुअली चक दे करेक्ट पंजाबी तभी भी है।